टेची दोरिया है और हम पकुम परेगा है। बेसिकली न्योपंक है शिलसांगो सर्कल, जब हम मिडिल स्कूल में था तो वहाँ देखता था, बया लोग खेलता था। सो देखिए वही जगह से एक इंस्पिरेशन आया कि दैट कि हम भी ये चीज़ को कर सकते हैं, ईजी फील गया, तो वहाँ से खेलने स्टार्ट गए। एंड देन आफ्टर दैट सर्कल खेला है, दैन सर्कल से डिस्ट्रिक्ट, एंड आफ्टर दैट स्टेट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था अंडर 16। देन अंडर 16 के बाद अंडर 19, देन अंडर 19 से अंडर 23, देन अभी सीनियर पे है हम। सो वही है मेरी जर्नी। तो ये हम लोग का फर्स्ट टाइम था, तो बहुत कुछ सीखने मिला। जो प्लेयर को हम लोग टीवी में देखता था और जो गेम को हम लोग टीवी में देखता था, उसको हम जाके अभी खुद एक्सपीरियंस करके आए। एंड जो आईपीएल के लिए खेलता है एंड जो इंडिया के लिए खेलता है, वो प्लेयर के साथ हम लोग अभी खेल के आए। सो बहुत कुछ सीखने मिला है। अभी तो रास्ता जो पूरा मतलब वो हो गया कि मतलब अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ अभी हम लोग को हार्डवर्क करना है। अगर हार्डवर्क करेगा तो आप आराम से खेल सकता है इंडिया के लिए। गेम तो बहुत खेला है, इतना खेला है कि मतलब काउंट ही नहीं है। तो उसका वजह से भी कभी कभी एक्सपीरियंस का वजह से भी मेरा बहुत गेम में हेल्प होता है। मेरा पहले से ड्रीम तो वही है दैट कि मतलब क्रिकेट को जैसा भी करके मतलब आगे लेके जाना हल्के। सो उसी पे मेरा हमेशा फोकस होता है। सो दैट्स वाई मेरा अभी दो एकेडमी हम खोल के रखा हुआ है, एक नाहरलगुन में एक ईटानगर में। नाम है मेरे नाम पे, दोरियो क्रिकेट एकेडमी। इतना भी अभी यंग स्टार से हम लोग को यही बोलेगा दैट कि अभी रास्ता जो मतलब पूरा क्लीन है, अभी हम खुद एक्सपीरियंस करके आए। हम लोग खुद इंडिया टीम का साथ, इंडिया टीम को जो रिप्रेजेंट कर चुका है, वो लोग के साथ हम खेल के आए। एंड आईपीएल में जो टीवी में हम लोग देखते हैं, उसका साथ हम लोग ग्राउंड को हम लोग शेयर करके आए। सो अभी रास्ता जो पूरा क्लीन है, अभी हम लोग जो रणजी हम लोग खेल के आया है, वहाँ से इंडिया के लिए सिलेक्ट होता है एंड आईपीएल के लिए सिलेक्ट होता है। सो अगर इफ हम लोग अच्छा परफॉर्म करेगा देन हम लोग आईपीएल में भी सिलेक्ट होने के चांस है। एंड आईपीएल में होता है तो इंडिया टीम में तो आ ही जाएगा। अभी तो हम लोग क्रिकेट अरुणाचल में बहुत नया है, सो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट फिर भी वो लोग अपना बेस्ट दे रहा है और हम लोग अपना बेस्ट दे रहा है। और हम बहुत आदमी को देखा है जो बोलता है कि वी डोंट हैव ग्राउंड, वी डोंट हैव फैसिलिटी, बट अगर इंडिया टीम में आप देखिएगा देन वहाँ पे भी बहुत ऐसा प्लेयर है जो मतलब जिसका बैकग्राउंड हम लोग से भी मतलब ख़राब है, अरुणाचल से भी इवन ख़राब है, वो लोग फिर भी बाहर निकल के आया है। एक मैच था, ये हम लोग का सेकेंड मैच था अगेंस्ट मिजोरम, जिसपे हम ड्रो हुआ था, बट उसमें हमको मैन ऑफ द मैच मिला था। तो एज ए बॉलर स्पिनर सो वो मेरा बेस्ट था। आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी हम लोग रणजी ट्रॉफी खेल के आए, सो अभी हम लोग का 20 दिन का कुछ ऑफ डे है। सो इसके बाद हम लोग का मुश्ताक अली ट्रॉफी होगा, जो T20 ट्रॉफी है, जो T20 फॉर्मेट का है। सो उसके लिए अभी हम थोड़ा प्रिपेयर करेगा। यही बोलेगा दैट कि पहले कुछ भी बनने से पहले आपको एक अच्छा आदमी बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा आदमी नहीं बन सकता देन आप एक अच्छा क्रिकेटर भी नहीं बन सकेगा या फिर कुछ भी।